आज मैं आपसे बात करूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में फॉर रिटेल बिजनेसेस। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंस रखता है और कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक टाइम था जब हम वेबसाइट्स पे जाते थे और न्यूज़ चेक करते थे या कोई शॉप करते थे, लेकिन आपने थोड़े सालों से या थोड़े दिनों से कुछ चेंज देखा होगा कि हम न्यूज़ भी फेसबुक पे पढ़ लेते हैं या इंस्टाग्राम पे पढ़ लेते हैं, और कुछ शॉपिंग भी करते हैं तो वो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हम शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो ये धीरे धीरे आप एक पैटर्न देखेंगे इसमें कि चेंजेस आ रहे हैं। प्रिंट मीडिया इज डाइंग। न्यूज़पेपर्स हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन न्यूज़पेपर्स पढ़ने वाले बहुत कम हो रहे हैं। मैं पहले बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता था, लेकिन अब मैंने भी बहुत कम कर दिया। मैं ज़्यादातर न्यूज़ फ़ोन पे ही चेक कर लेता हूँ और बहुत ज़्यादा डिटेल में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। अगर मेरे हाथ में लग जाए न्यूज़पेपर तो वी कैन रीड। और एक और बहुत बड़ा ग्रेजुअल शिफ्ट आप देख रहे हैं कि जो टेलीविज़न है, इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। सो टीवी इज़ बिकमिंग द रेडियो एंड फ़ोन इज़ बिकमिंग द न्यू टीवी नाउ। तो इसको देखते हुए कोई भी रिटेल बिजनेस को अपना सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट इंटरनेट पे खर्चना चाहिए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन ईच ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर अभी भी विजिबिलिटी की कॉस्ट बहुत सस्ती है। न्यूज़पेपर में महंगी महंगी एड्स या टीवी पे महंगी एड्स देने से अच्छा सोशल मीडिया पे अभी भी ऐड करना बहुत सस्ता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहने वाला है। ये पैटर्न है, जब टीवी आया था तो रेडियो आउट हो गया था, ऐसे ही अब टीवी आउट होने जा रहा है। और इस टाइम पे भी एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया बहुत सस्ती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, इन पे अपनी एड्स और इन पे अपनी प्रेजेंस लाने का, और जो ब्रांड यहाँ पे सबसे स्ट्रांग और सॉलिड रहेगा उसके आगे जाने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न है जो हमने पिछले हम हिस्ट्री में देखते हैं। नई चीज़ जब आती है तो पिछली चीज़ कैसे बिलियन डॉलर कंपनीज भी वो पीछे चली जाती हैं। जैसे कैमरा की हम बात करें, निकॉन की बात करें, या जो कैमरा कंपनीज बनाती थी, सो ये पैटर्न जो पहचान लेगा वो आगे जाएगा। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारा पैसा अपना स्पेंड करें, एड क्रिएट करें, आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी। डू नॉट गो फॉर फेक लाइक्स, डोंट एवर गो फॉर फेक लाइक्स, बिकॉज उसमें क्या होता है कि इंटरैक्शन जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। जो इंटरैक्शन है, जो आपका आपने जो पोस्ट डाली और उसके साथ जो एक्चुअल लोगों ने इंटरैक्ट करना था, रिप्लाई करना था, कमेंट करना था, लाइक करना था, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में वो अकाउंट्स एक्टिव हैं ही नहीं। सो इन चीज़ों का हम ध्यान रखकर हम अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक और कि आपको कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा बनाना है। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। चाहे आप एक पिक्चर दे दें, या चाहे आप पिक्चर निकालें, चाहे आप वीडियो कंटेंट बनाएं, या फिर कोई राइटिंग में अगर आप अच्छे हैं तो कोई रिटन पोस्ट बनाएं, बट मेक श्योर यू आर प्रेजेंट देयर ऑल द टाइम। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट बना सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपका ब्रांड बिल्ड करेगा। शुरू में हो सकता है आपको इतने लाइक्स और वो सब ना मिले, लेकिन उससे आप निराश मत होइए। धीरे 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 आप अपना ब्रांड बनाते जाएंगे, और आजकल के ज़माने में तो ऑलमोस्ट बहुत इंटरनेट इज़ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, सो ये आपको आगे लेकर जाएगा। बट इसको फॉलो अभी भी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है अपने बिजनेस को ग्रो करने का।